पल पल पलटी बाजी, आखिरी ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा। हैदराबाद ने मारी बाजी लेकिन दिल जीत ले गए आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। 183 रन के लक्ष्य का पीछा करके पंजाब किंग्स की टीम 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी थी। आखिरी ओवर में जीत के लिए पंजाब को 29 रन की दरकार थी। हर कोई सनराइजर्स हैदराबाद की आसान जीत तय मान रहा था। हालांकि बल्ला थाम कर क्रीज पर स्ट्राइक लेने के लिए खड़े 25 साल के आशुतोष शर्मा आज अपना नाम बनाने निकले थे। लास्ट ओवर में आशुतोष ने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि हर कोई इस युवा बैटर की तूफानी बल्लेबाजी का दीवाना हो गया। पंजाब के घर में बाजी तो सूरज को हैदराबाद का उदय हुआ, पर दिल और महफिल आशुतोष लूट ले गए। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी जयदेव उनादकट को सौंपी। पंजाब को 6 गेंदों पर 29 रन की दरकार थी और 2 युवा बल्लेबाज क्रीज पर खड़े थे। पंजाब के फैंस ने मैदान छोड़कर जाना शुरू कर दिया था। हैदराबाद के खेमे में जीत का जश्न अभी से थोड़ा बहुत शुरू हो चुका था। उनादकट के हाथ से निकली ओवर की पहली गेंद को आशुतोष ने डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। आशुतोष ने बिगाड़ी उनादकट की लय। पहली गेंद पर सिक्स क्या लगा कि उनादकट अपनी लाइन एंड लेंथ ही भूल गए। हैदराबाद के गेंदबाज ने अगली 2 गेंदें वाइड फेंक दी। अब 5 गेंदों पर 21 रन की जरूरत थी। जयदेव ने ओवर की दूसरी लीगल बॉल फेंकी और उसको भी आशुतोष ने स्टैंड में भेज दिया। अब हैदराबाद के खेमे में खलबली मच उठी थी। पंजाब को जीत की उम्मीद जग उठी थी। पैट कमिंस अपने गेंदबाज से बातचीत करने में जुट गए थे। ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर आशुतोष दौड़कर 4 रन बनाने में सफल रहे। 2 गेंदों पर पंजाब को 11 रन की दरकार थी। आशुतोष क्रीज पर खड़े हुए थे और पंजाब के फैंस की उम्मीदें भी बरकरार थी। अगली बॉल जयदेव उनादकट ने फिर वाइड फेंक दी। पंजाब के फैंस में फिर से जोश भर उठा। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर आशुतोष सिर्फ 1 ही रन बना सके। लास्ट बॉल पर शशांक सिंह ने छक्का लगाते हुए मैच को खत्म किया, लेकिन पंजाब लक्ष्य से 2 रन दूर रह गई। जीत से 2 रन दूर रह गया पंजाब। हैदराबाद ने भले ही जीत का स्वाद चखा, लेकिन पंजाब ये 2 स्टार बल्लेबाज महफिल लूट ले गए। शशांक 25 गेंदों पर 46 रन बनाकर नाबाद लौटे तो आशुतोष ने सिर्फ 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 33 रन ठोके। हर पंजाबी फैन शशांक और आशुतोष की इस तूफानी बल्लेबाजी की तारीफ कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।